गया पुलिस को लूट की एक घटना के मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी बीते 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज निवासी संतोष भारतीय से लूटपाट के बाद फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिल और नगद राशि भी बरामद की है। इन लोगों को हम लोग स्पीडी ट्रायल के तहत सजा कराएंगे और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी विद इन 6 महीने के अंदर हम लोग इनको सजा कराएंगे। कौन से किलो चला रहे हैं ये? इन लोगों ने किया था कि एनएच पे ये लोग देखते रहते थे कि एनएच पे किस आदमी का मूवमेंट लगातार होता रहता है। जैसे कई सारे व्यवसायी होते हैं जिनकी गाड़ी 3 दिन या 4 दिन बाद कोई ना कोई इधर से उधर मूव करती रहती है। इन लोगों को सूचना मिलती है, ये लोग रेकी करके उसको करते थे। बीच में भी छिटपिट घटनाएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गया से हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 24 फरवरी के मामले पे अब जाकर पुलिस ने जो है 5 आरोपियों को धर दबोचा है। क्या कुछ किया जा रहा है उनके साथ अभी? क्या उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है? जो भी घटना है गया में घट रही है, उस घटना का उद्भेदन करने में गया के SSP और उनके टीम जो काम कर रही है, बहुत जल्दी ही एक्शन में लेने के बाद वो कार्रवाई कर लेते हैं। जबकि गया जिला में पूर्व में कई ऐसे मामले हैं कि जो अभी तक उसकी खुलासा नहीं की गई है, लेकिन जिला के SSP आदित्य कुमार के तरफ से एक यह प्रयास रही है कि जो भी घटना घट रही है उसमें जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें चिन्हित करने के लिए टेक्निकल सेल के तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, एक बहुत ही बेहतर साबित हो रही है। जैसा कि ये इलाहाबाद के रहने वाले व्यक्ति के साथ लूटपाट की गई थी और इनके रेकी की गई थी 24 फरवरी की, और उसके बाद लूटपाट की जाती है और इस तरह के एनएच पर अनगिनत अपराधियों का बोलबाला रहा है और अपराधी अंतर्राज्यीय गिरोह के भी कई बार रहे हैं जिनकी भी खुलासा की गई है। पिछले महीने में ये दूसरी घटना जो घटी थी उसका बहुत बड़ी उपलब्धि जिला प्रशासन को मिला है कि जो बदनाम एक थी बिहार में, जो बदनाम होती थी कि प्रशासनिक महकमा बदनाम है, कार्रवाई नहीं करती है, वो वर्तमान दौर में देखी जा रही है कि कार्रवाई घटना के महीने 2 महीने में उसका रिजल्ट और परिणाम अपराधी जो है जेल चले जा रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश। तो एक बार फिर से बता दें कि पुलिस ने 24 फरवरी को लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार चल रहे 5 अपराधियों को आज धर दबोचा है।